राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री जी चरण में। आज हम आपको कृष्ण के जीवन की ऐसी कहानी सुनाएंगे जो बहुत ही दुर्लभ है। जाने कि कैसे कृष्ण ने सत्यभामा के घमंड को ठीक किया। वीडियो को पूरी देखिएगा और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका ये मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी, क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने और जो रत्न और आभूषण और संपत्ति चाहती थी वो सब उसके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार कृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती थी। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। इसे तुलाभार कहते हैं। ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ और रखकर वो चीज लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल या सोना या वो कुछ भी आप दे सकते हैं जो देना चाहें। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार ही रखा था। पर जब उसने सब सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला, कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब कृष्ण एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कि ऐसे योगी भी थे जो पहाड़ की तरह भारी हो जाते थे। तो इस बार भी कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया था जितना उसके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शर्मजनक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मिणी की ओर देखा जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर तुम्हारे और हम सब के लिए भी बहुत शर्मजनक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मिणी बाहर गई और तुलसी के